तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, 40 महीने मिनिस्टर रहे हैं, इतना अनुभव है उनके पास, आप नौवीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूंगा, वकील कहूंगा भाई? आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव नौवीं फेल है तो इसे नौवीं फेल कह रहा हूं। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं, अभी से पास हो जाए, दसवीं पास हो जाए, मैं उनको दसवीं पास करने लगूंगा। इतने लोग हैं जो नहीं पढ़े थे, लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए मेरी बात आप जमीन पे सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पढ़ाई होने से लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास ना करे, ये दिखाता है, सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का बिहार की क्या पहचान है, कि बहुत गरीब राज्य है, लोग मजदूरी करने आते हैं, और जो लड़के पढ़े लिखे हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग छोटे छोटे कमरों में चौकी पर पीठ सीधा करके आधा पेट खाकर पढ़ाई करते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए आपको 3-4-5 साल मेहनत करनी है, और आप 9वां भी नहीं पास किए हैं और आप कहते हैं हम बिहार के राजा बनेंगे, कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लेंगे? और मैं बिहार का होने के नाते क्यों नहीं इसका विरोध करूंगा? यहाँ पे आपके दर्शक गिरजा में जितने लोग, खाली जो बिहार के लोग हैं आप उनसे हाथ उठवा लीजिए, कितने लोग हैं जो कि 9वीं फेल को अपना नेता मानना चाहते हैं? मैं तो रोज गांव में चल रहा हूँ, मुझे तो लोग, मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ भाई। आजकल वो आपके बारे में कमेंट करने लगे हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये इधर का डेटा उधर करते हैं, उधर का डेटा इधर करते हैं। चलिए मान तो रहे कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई, पहले तो ये कह रहे थे कि ये कौन है प्रशांत किशोर, अब ये मान रहे कि पढ़े लिखे आदमी है, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, बालू माफिया नहीं है, पशुपालन घोटाला में जेल नहीं गए हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं। अपनी बुद्धि से, मेरे माँ बाप कोई मुख्यमंत्री, मैं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, बोड़ा पर बैठ के विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ से उठकर पढ़ाई के बल पर अगर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ देश में, जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं उनको तकलीफ होती है तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में समझते होंगे तभी मेरे सलाह लेते हैं, वो तो सब सरस्वती का देन है, तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, और वो आदमी जिसको सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा उनसे तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो जिसका आप कह रहे तेजस्वी यादव भाई, हमारी एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं, नहीं ना नहीं, हमारी जाति है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना नाम है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि है, और उनके पास सब है, बुद्धि ही नहीं है।